क्यों हारे तू जिंदगी से जब तेरा खुदा तेरे साथ है, क्यों ना समझे तू ये तो सिर्फ नजरिए की बात है। सोचा है कभी कुछ लोग मुश्किलों में भी कैसे खुश रहते हैं, क्योंकि वो वक्त को नहीं सिर्फ लम्हे को बुरा कहते हैं। तो सलाम दोस्तों आपको मेरी तरफ से। यार बैठा हूँ अभी कमरे में अपने रूम में, सोच रहे होगे कि ये क्यों बैठा इधर। तो यार ज़्यादा ब्लॉग ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसी कमरे में सारा ब्लॉग दिखाऊं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। यार आज की बात ये है कि मैंने कल से बिल्कुल नींद नहीं की। अब वो नींद क्यों नहीं की वो मैं आपको अभी बताऊँगा। हुआ क्या था कि मैं सुबह आज उठा 5 बजे, बहुत कोशिश की कि अलार्म बंद हो जाए अलार्म, पर वो अलार्म बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने सोचा बाहर में जाए, नींद जो मैंने ब्लॉग का सोचा था तो वो भी तो बनाना है। तो भैया इस बात की एनर्जी ने मेरे रोम रोम में एक करण सा जगा दिया। लोग तो सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा ब्लॉग है जिसकी वजह से मुझे इतनी सुबह को उठना पड़ा। तो भैया जी नो टेंशन, इस सच का जवाब आपको मैं देता हूँ। दो शख्सियतों ने मुझे बोला कि भैया जी आपके पास कैमरा है और आप अपना शूट भी करते हो वीडियो, तो यार हमारा शूट कर दो, क्योंकि 2-3 महीने तक हमारा फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट में हम अपनी DP या कवर डाल सकते हैं। उसकी वजह से मैंने सोचा कि हाँ भाई इनका शूट करना है, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ब्लॉग भी हो जाएगा। इस वजह से मैंने अलार्म लगाया और मैं सुबह बड़ी मुद्दतों से उठा। आप लोग सोच रहे होंगे कि खाली पागल मैं ही नहीं हूँ, पर मेरे साथ ये दो पागल भी थे। भैया मेरे साथ अभी मौजूद है यहाँ की मशहूर शख्सियत फरहान और जीशान, ठीक है। निकला हूँ सुबह भाइयों के साथ शूट करने, इन्होंने बोला कि फ़ोटो शूट है, तो मैंने भी सोचा हाँ यार मेरा भी ब्लॉग हो जाएगा, अच्छा खासा शूट हो जाएगा। सोच रहे हो इतनी सुबह क्यों निकला, तो यार मेरे भाइयों ने कहा था कि सुबह शूट अच्छा होगा, ठीक है, सनराइज अच्छे होंगे, तो मैंने सोचा कि हाँ मेरा ब्लॉग भी ओके वाला शूट हो जाएगा। सूरज की रोशनी अभी निकलने वाली है और मानो या न मानो मौसम बिल्कुल औसम है, पर अगर मान लोगे तो अच्छा होगा। ओ सुबह 5 बजे हम निकले थे और अभी तकरीबन हो रहे हैं 6:30 बजे। ये सनराइज़ जो हमें पड़ा, ये रोशनी बहुत प्यारी रोशनी है, और ये देखो लगे पड़े हैं सेल्फी में। और अब एक मसला आ गया है कि ये जो रास्ता है ना, ये हमें रास्ता मिल नहीं रहा, क्योंकि बीच में ज़्यादा पानी चढ़ गया है दरिया में, तो हमें वहाँ तक जाना है। तो अब कोई ना कोई जुगाड़ निकालते हैं वहाँ चलने का। आ जाओगे अच्छा जिनके सफेद शूज है ना, मसला उनके लिए हो रहा है। अच्छा तो ये मेरे भाई का सफेद शूज है, तो उसके लिए सारे शूज उसके बर्बाद हो गए, देख लो। और आपके भाई ने देखो क्या पहना है, देखो इतना बड़ा शूज है कि 1 फीट भी अंदर घुस जाएगा ना तब भी पता नहीं पड़ेगा। तो अभी एक हमें वो कश्ती वाले ने बोला है कि आ जाओ, हमें तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। तो हम देखते हैं मंजिल की तरफ रवा दवा है और देखते हैं कि वहाँ पहुँचते हैं या नहीं। फिर जैसे मुझे कश्ती वाला मिला तो हमने सैर की, प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, ये गाना है ना, पर ये तो अलग गाना है। पर मैंने ऐसी कश्ती में सैर की, वो कश्ती बड़ी थी, छोटी कश्ती है, देखो आ जाओ। कि हम अभी पहुँच गए यहाँ पे, कश्ती पे तो आ गए और देख सकते हो पानी अभी थोड़ी हिल रही है, तो बैठते मजे से यहाँ पे साइड में। कश्ती चल रही भी है और दोस्त एंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये भैया देखो कश्ती चला रहा है, इस भैया के साथ हम भी जा रहे हैं। हिलते जुलते जा रहे हैं, ठीक है ना, डरते जा रहे हैं। अभी कश्ती वाला बोल रहा है कि यार यहाँ पे थोड़ा आप आगे बैठ जाओ, क्योंकि अनबैलेंस हो सकती है। सही है, जितनी बात आपको पता होगी कि अनबैलेंस हो सकती है, क्योंकि इधर उधर हिलती है ना, तो ऐसा नहीं कि ये ब्लॉग पानी में ही चला जाए। जिस गहराई में भी आप कश्ती चला रहे हैं ना, तो ये बोल रहा है कि 10 से 11 फुट ये पानी गहरा है, मतलब मेरे कद से भी डबल। भाईजान बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें वहां तक पहुँचाया। भाईजान मतलब सलमान खान ने जो
वॉकिंग थीम दिया था तो वो आपका भाई ना करता तो समझो रेगिस्तान में आया ही क्यों। देखो रेस 3 इन पाकिस्तान यो बड़ी। यार हमने तो कर लिया अभी शूट, अब मुझे पता नहीं है ब्लर क्योंकि आंखों में धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना। तो जब तक तो शूट कर लिया हमने, अब मतलब जाने का टाइम यार। तो पूरा चेहरा हो गया है मीठी मीठी, बहुत हाई क्लास का मीठी हो गया है। तो मुझे लग रहा है ब्लर तो नहीं आ रहा होगा अभी, ब्लर नहीं आ रहा। सनलाइट पीछे तो पड़ रही है, ठीक है। थोड़ी गर्मी भी बढ़ने वाली, तो जब गर्मी बढ़ने वाली तो मुझे लग रहा है कि निकलना चाहिए हमें, सही है। तो अब ये देखो ये कश्ती मेरी तैयार लगी पड़ी है, मेरी बोट। तो बोट पे अभी चढ़ते हैं, ये चढ़ते हैं बोट पे। ठीक है, आ गए, चलो भाई। तो भैया जी फिर सब्जी ली, वेजिटेबल, घर का सामान लिया और थोड़ा चिल मारा और थोड़ा बर्फ भी दिखाए। तो अभी ये काम आ गया था कि घर का सामान भी लेना था, क्योंकि अपनी ड्यूटी तो निभा ली, इसके बाद फिर आप घर की ड्यूटी निभाएंगे। तो अभी ले रहा हूँ सामान घर का, ठीक है ना, मुर्गी भी ले रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।